अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज, हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, शाहिद शबीर फोटोग्राफी, और ये है मेरा पाकिस्तान। और ग्रुप ज्वाइन करें प्यारा ननकाना साहिब। आज मैं आपको जो ये जगह दिखा रहा हूँ, ये जो ड्राई स्ट्रोवर नज़र आ रहा है, देखने में तो ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे तो ये बहुत ही पुरानी जगह है। और ये जगह जो है टिल्ला जोगियाँ की, समझ लें आप, तकरीबन कोई हज़ार एक गज़ एक किलोमीटर का फासला लगा लें नीचे है। और ये जगह जो है वो हिंदू शाही के दौर से बनी हुई है, और ये वाला सरोवर जो है हिंदू शाही ने बनवाया था, ऐसे ही जैसे रामकुंड है ऐसे ही ये वाला सरोवर जो है वो बनाया गया। और ये देखें आप, स्टोन्स को किसी चीज़ से जोड़ा नहीं गया, रा स्टोन रखा हुआ है इसके ऊपर। और जो लोग यहाँ से जाते थे, इधर कोई तकरीबन 5 सरोवर्स हैं, एक सरोवर ये है, 2 ऊपर हैं और एक साइड पे है, यानी कि तमाम धर्म जो थे वो अपना सरोवर इस्तेमाल करते थे। हिंदूज़ यहाँ पर जो आते थे वो ये वाला सरोवर इस्तेमाल करते थे। और इसके साथ ही आगे है वो सिखों का सरोवर है, वो कच्चा सरोवर था, उससे आगे फिर जाके एक सरोवर आता है। इस तरह करके तकरीबन कुल मिला के तो 5 सरोवर बनते हैं, जिनमें से 3 अभी भी बाकी हैं। इस जगह के ऊपर आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जान जोखों में डालना, लेकिन ये कौन लोग थे, कैसे लोग थे कि इन्होंने ये पत्थर को स्टेप बाय स्टेप जोड़ा है और फिर ये पानी को रोका है यहाँ पे। ये आप देखें, जो बनियन ट्री है उसकी जड़ें देखें आप, किस तरीके से ज़मीन के अंदर धंस के जो है वो उन्होंने कितना वो घना उसको किया हुआ है। वैसे तो बोड़ के दरख्त जो हैं इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पुराने दरख्तों में से बोड़ का दरख्त भी होता है, और ये 100 साल तक बच्चा रहता है, 100 साल के बाद जाके इसके ऊपर जवानी आती है। ये देखें आप, ऐसे है जैसे कोई यहाँ पे, अच्छा नहीं, ये देखें वैसे ही उसकी भी जड़ें जो हैं वो बीच में आ चुकी हैं सरोवर के पत्थरों के अंदर। और ये कितना पुराना होगा, एक स्पिरिचुअल वैल्यू है इस जगह की। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, वो देखें कि आज भी सरोवर जो है वो अपनी असल हालत में, और यहाँ पे इसको कोई यूटिलाइज़ करने वाला भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स को जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो उन्होंने छोड़ दी, बाकी उन्होंने तोड़ दी, ख़त्म कर दी। आप देखें कि इस जगह से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा रहा, ये इतनी ऊपर है कि यहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकता आके। अगर रह भी सकता है तो उसके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होती, और उसके लिए जीना जो है वो यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो रहने वाले बाबे थे जो, और जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ थी, गोरखनाथ, बालनाथ, बाबा सिद्धनाथ, बाबा गुरु नानक साहब, किसी ने 6 गुजारे, किसी ने 10 गुजारे, और किसी ने 30 साल, और किसी ने पूरी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर अपनी गुजार दी। और यहाँ से पाक होने के बाद ऊपर जो है वो गुरुज के पास जाया जाता था, और नाथ और उदासी पंथ के बाबों के पास जाया जाता था। मैं हूं आपका अपना होस्ट बाबा जी, और आप देख रहे हैं हिंदू शाही की बनाई हुई ये सरोवर। सुना है कभी इस इलाके में बहुत बारिशें होती थी और ये बिल्कुल भर जाता था पानी से। आज भी वो चीज़ें वहीं पे हैं। 47 में लोग चले गए जब यहाँ से, तो ये जगह वीरान हो गई और अब खंडर का मंज़र पेश करती हैं। उम्मीद है कि जो संगत पाकिस्तान के अंदर रहती है, मेरी वीडियो देखने के बाद वो ये रियलाइज़ करेगी कि इन चीज़ों की मरम्मत होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये कहें इसके मतलब कि इन चीज़ों को रिपेयर किया जाए, इनकी देख रेख की जाए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी मिलकर रिक्वेस्ट करें। मैंने पहले भी जिन जिन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट की है उनमें से बहुत से पे काम हो रहे हैं और बहुत से पे काम पेंडिंग है। ये ऊपर टिल्ला जोगियाँ हैं,
और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदू शाही की बनी हुई सरोवर। तो देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, और मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी।